हेलो चिल्ड्रंस, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 एंजॉय विद मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है हमारा रोमन न्यूमरल्स। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा द एंशंट रोमन्स एज वी नो रोट न्यूमरल्स दैट डिड नॉट हैव प्लेस वैल्यू। जैसे कि हमें पता है जो एंशंट टाइम में जो हमारे न्यूमरल्स थे वो नहीं थे, प्लेस वैल्यूज नहीं थी, तो वो काउंटिंग कैसे लिखते थे, या कुछ भी काउंट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे किसी पर्टिकुलर नंबर को। तो आज हम वो पढ़ेंगे जिसका जैसे जिसको हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। दे हैड सेवन बेसिक सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर्स। तो इनके बेसिक सेवन सिंबल्स हैं जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो हिंदू अरेबिक काउंटिंग है उसको। जस्ट लाइक जो हमारा वन है वो डिनोट करता है आई को, 5 डिनोट करता है वी को, 10 डिनोट करता है एक्स को, 50 एल, 100 सी, 500 डी, 1000 एम। तो देखो ये हमारे जैसे कि रोमन में वन को आई कहते हैं, 5 को वी कहते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी एंड 500 को डी एंड 1000 को एम। तो ये सारे हमारे बेसिक जो हमारा फर्स्ट स्टेप है रोमन न्यूमरल्स में वो हमें ये याद करना है। तो आप इसको ड्रॉ भी कर लेना नोटबुक में, एक बार अच्छे से लर्न भी कर लेना। इसके बाद है हमारा रोमन्स फॉर्म द नंबर्स 1 to 39 यूजिंग ओनली 3 लेटर्स। तो यानी कि जो हमारे 1 to 39 नंबर्स हैं हमारे रोमन नंबर्स में, उसमें सिर्फ 3 लेटर्स यूज होते हैं आई वी एक्स। इन्हीं 3 लेटर्स को हम कंबाइन करके हमारे 1 to 39 तक हमारी काउंटिंग होती है। और कुछ रूल्स हैं जिससे आपको पता चला कि जो हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं। तो पुटिंग अ लेटर आफ्टर वन ऑफ अ बिगर वैल्यू मीन्स यू एड इट। किसी भी बिगर वैल्यू के आगे हम कोई लेटर ऐड करेंगे, इट मीन्स हम उसको ऐड कर रहे हैं। जस्ट लाइक हमारा 6 है, तो 6 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम वी एंड आई। वी इज कॉल्ड 5, वी हमारा 5 है एंड आई हमारा 1 है, तो 6 को हम लिखेंगे वी आई। इसके बाद जिस इसी का भी पार्ट है 18, 18 को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वी आई आई आई। तो कैसे, एक्स हो गया हमारा 10, वी हो गया 5 एंड आई 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 ये हो गया हमारा, टोटल इन तीनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 18। इसके बाद आ जाओ हमारा जो हमारा इसी का सेकेंड पार्ट है, पुटिंग अ लेटर बिफोर वन ऑफ अ बिगर वैल्यू मीन्स यू सब्ट्रैक्ट इट। किसी भी बिगर वैल्यू से हम कुछ पहले लिखते हैं, इट मीन्स हम उसको किसी भी लेटर को हम पहले लिखते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक 4, 4 को हम लिख रहे हैं आई वी, आई वी बना हमारा 4। कैसे, यानी कि वी से हमने पहले लिखा आई, यानी कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आया हमारा 4। ऐसे ही बी पार्ट है इसका 9, एक्स पहले आएगा आई फिर आएगा एक्स, यानी कि 10 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 9, ठीक है? ऐसे 10 माइनस 1 ये आ गया हमारा 9। इसके बाद द लेटर्स कैन बी रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। एक नंबर मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा कोई रिपीट नहीं होगा। जैसे कि ये 3 है आई आई आई, 30 है एक्स एक्स एक्स। अब जैसे कि ये हमारा 18 भी था, इसमें आई 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 भी 3 बार, इससे ज़्यादा बार कोई भी नंबर अल्फाबेट या लेटर रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, व्हेन अ स्मॉलर नंबर डेट हैज़ बीन मेड ऑफ 2 लेटर्स यूजिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल इज कम्बाइंड विद अ लार्जर नंबर, द होल ऑफ द स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ द लार्जर वन। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे इधर से कंसेप्ट से हमारा पूरा कंसेप्ट दे रखा है। जैसे ए पार्ट है 29, 29 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 20 का एक्स और एक्स हो गया 20, ओके, और 9 को हम लिखते हैं आई एक्स, तो ये से लिखा जाएगा हमारा 29। द लेटर कॉम्बिनेशन मेक 9 इज रिटन टू द राइट ऑफ द लेटर कॉम्बिनेशन मेकिंग 20, यानी कि पहले हमने 20 लिखा फिर हमने 9 लिखा। ऐसे ही है हमारा 14, तो बी में 14 यानी कि एक्स हो गया हमारा 10 और आई भी हो गया हमारा 4, ओके। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है एक्सरसाइज 2.1,
1 to 20 तक आपको अभी ट्राई करना है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।